माइंड जनरेट्स 60,000 थॉट्स इन अ डे। अगर हम इसको डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाइक 16 आवर्स में जो हमारे एक्टिव आवर्स होते हैं, तो इट बिकम्स 3,750। उस 3,750 को वापस अगर हम डिवाइड करते हैं तो 62 थॉट्स। जस्ट इमेजिन एवरी मिनट वी गो थ्रू 62 थॉट्स। इसमें से 90% नेगेटिव होते हैं और 95% रेपिटेटिव। इसका मतलब जो हमने कल सोचा वो वापस आज सोच रहे हैं, परसों सोचा वो भी आज सोच रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कीप्स ऑन प्रोवाइडिंग इमेजेस, थॉट्स लाइक अ वीडियो। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, एक साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, या जो हुआ नहीं है उसको भी हम इमेजिन करते हैं। इफ वी रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, वी नीड टू गो टू द रूट कॉज। सी व्हाट वी थिंक, व्हाट वी अक्वायर, एक होते हैं स्मृति और एक होती है श्रुति। श्रुति है जो हम सुनते हैं। सो बचपन से लेके जो हमने सुना है वो हमारे स्मृति में है। अभी पिकअप क्या करना है और अप्लाई क्या करना है वो हमारे हाथ में। तो लेफ्ट में हम हमारे सारे प्रॉब्लम्स को प्लेस करते हैं, राइट में सारे सॉल्यूशंस को करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे, यहाँ पे गलत हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली मैच विद द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। सब कुछ है, हाँ, दिमाग में ही है। जैसे मैंने कहा स्मृति और श्रुति, हमने जो सुना है हमारे पास सॉल्यूशंस भी दिमाग में है, बट उसको मैच करना वो मोमेंट पे पॉसिबल नहीं। एक एक्सरसाइज करते हैं। 5 साल पहले लेफ्ट में, 5 साल पहले आपका पास्ट है, राइट में 5 साल बाद आपका फ्यूचर है। लेफ्ट में थोड़ा वॉक करते, थोड़ा पॉज देते हैं, थोड़ा वॉक करते, थोड़ा जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे थे हम, कैसे थे, कैसे रिएक्ट करते थे। अगर कोई चीज, छोटी सी चीज अगर हमारे लाइफ में होती थी तो वी यूज टू गेट एंग्री, ओके नो प्रॉब्लम। वी यूज टू रिएक्ट, वी यूज टू गेट सैड, वी यूज टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, करियर वाइज कहाँ थे हम, जॉब रहेगा, बिजनेस रहेगा, काम रहेगा, क्या कर रहे थे। लेट्स हैव अ लुक। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन। अगर हम आज भी उसी छोटी चीज पे सैड होते हैं, उसी छोटी चीज पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जीरो अपग्रेडेशन। और अगर हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में हम 2 कदम आगे नहीं चल पाए, वही स्टक है या फिर नीचे चले गए, इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। क्योंकि राइट में जो अगले 5 साल है, जहां पे हम फ्यूचर की तरफ जाने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, हमेशा हम वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, अरे इसका तो यार नसीब नहीं था तो भी निकल पड़ी, ये बंदा तो ओके था, आज तो ही इज लाइक मल्टीबिलियनियर। ये कोई वाकया नहीं है, ये कोई लक का पार्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं कोई चमत्कार हो गया उसके लाइफ में, ये उसकी कड़ी मेहनत है, ये उसकी काबिलियत है, ये उसका अपने माइंड को समझने का एक उसको मौका मिला था और उसने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आपके माइंड को शार्प माइंड चाहिए, उसके लिए एवरी 30 मिनट्स के लिए यू नीड एन अलार्म। देखिए, मैं, ये मेरी कोशिश होती है कि एवरी 30 मिनट्स के बाद मैं खुद को एक पिंच देता हूँ। पिंच के बाद मैं सोचता हूँ लास्ट 30 मिनट्स भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ अच्छा सोचा या फिर ऐसे यानी निकल गए मिनट्स मेरे लाइफ के। अगर मैं उस 30 मिनट्स में एक भी थॉट, कॉन्क्रीट थॉट उठा पाता हूँ, तो दैट बिकम्स एन आइडिएशन, दैट बिकम्स अ क्रिएशन, दैट बिकम्स एन इम्प्लीमेंटेशन। और वो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने का मुझे मौका मिलता है। देखिए, आपके लाइफ में ऐसे 30 मिनट्स हर 30 मिनट्स के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंसिंग द माइंड, फिल्ट्रेशन ऑफ द थॉट्स, उसके बाद स्विच मोड। ये स्विच मोड बटन आपको मिलेगा माइंड इंजीनियरिंग के क्लास में। यू नीड टू जस्ट लॉग ऑन टू www.syp academy.in, कोर्स रजिस्टर कीजिए। थैंक यू।